Easy goes. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक, अच्छे भले और चंगे होंगे। तो सुनाते हैं फिर आपको अपने हाथों से लिखी हुई गोल्डन शायरी। तो थोड़ा सा अर्ज़ किया है कि चल करते हैं हम उस स्क्वाड पे रश, चल करते हैं हम उस स्क्वाड पे रश, बजाएंगे उनकी बैंड, करवा देंगे बस बस बस। तो अगर हमारी गोल्डन शायरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज खेल रहे थे हम ड्यूल, सोलो नहीं खेल रहे थे। इंशाल्लाह अगली गेम प्ले हमारी सोलो में आएगी। तो आए थे हम फार्म, जाना था स्पेसशिप में, लेकिन हमारी टीम मेट की फरमाइश पर आए हम फार्म। फार्म में हमारे साथ उतरे थे दो तीन बंदे। तो अभी हमारी टीममेट की जो बैंड बजेगी आप देखना, थोड़ा सा बस लूट शूट कर लें, उसके बाद हम पे अटैक होने वाला है, हमला होने वाला है हमारे एनिमी की तरफ से। हम पे एनिमी हमला करेंगे और बच के जाएंगे, ऐसा किस किताब में लिखा है? वो किताब मुझे दिखा दो कि किस किताब में ऐसा लिखा है कि एनिमी हम पे हमला करें और बच के चले जाएँ। हम जैसे ही अंदर गए, लूट शूट की, हमारा टीममेट फाइट लेने के लिए जा रहा था, क्योंकि इसको मरने की थोड़ी जल्दी थी। तो मैंने कहा भाई जाओ 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 जाओ, आप पिटो जाके, मैं थोड़ी लूट करके वापसी आता हूँ, क्योंकि लूट के बगैर हम अधूरे हैं। क्या है? हम अधूरे हैं लूट के बगैर। ना तो बाजी हम जीत सकते हैं, ना कुछ हार सकते हैं। खैर, टीममेट मेरा फाइट ले रहा था तो मैंने निंजा लगा के ऊपर गया, और मेरे पास सामने एक बंदा ये रहा। भाई साहब, कैसे बचोगे आप? खैर कोई बात नहीं, ये बंदा तो चले गया अंदर। अब हम मेरा टीममेट जो जिससे फाइट लेगा उसको करेंगे हम डाउन। किधर गया ये बंदा, अंदर वाला किधर गया? खैर, टीममेट फाइट ले रहा था तो मेरे टीममेट को इसने डाउन कर दिया। तो अब हमें इसका बदला लेना है, लेकिन ये जो अंदर वाला बंदा है ये बहुत जलील कर रहा है इस वक्त, मुझे खासा जलील कर रहा है। सबसे पहले इसको किल करना पड़ेगा, वरना ये हमको मार डालेगा। खैर, हम इसकी तरफ आते हैं। ओहो, ये तो लड़की है, ये पिट गई मेरे से यार। चलो कोई बात नहीं। खैर, मेरे टीममेट को जिसने डाउन किया तो उसका बदला तो लेना ही था। अब मैं डोगटैग स्कैन कर रहा था तो पीछे से धड़ाधड़ फायरिंग की आवाज़ें आ रही थी। मैंने सोचा चलो डोगटैग स्कैन कर दो, उसके बाद चलते हैं मुद्दत। तो अभी मेरी थोड़ी बहुत लूट शूट जो वो रहती थी, लूट कंप्लीट कर रहा था कि मेरे सामने से वो फाइट हो रही, वो शायद आपको नज़र आ रही होगी। ऐसे वो क्या बोलते हैं, दो बकरों के बीच, दो मुर्गों के बीच जाके लड़ना अच्छी बात नहीं है। खैर, नीचे वाले ने ऊपर वाले को डाउन कर दिया, तो मैं भी निंजा लगा के ऊपर आया। ओ नहीं, यस तू मारेगी अब मुझे, हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? लड़की या लड़कियां क्यों आ रही हैं? वो क्या बोलते हैं, हम लड़कियों से लड़ना पसंद नहीं करते। अगली बार कोई भेजना कॉल ऑफ ड्यूटी वालों, तो सोच समझ कर भेजना, लड़कियां ने चाहिए, लड़कियां नहीं। खैर, निंजा लगा के ऊपर आए क्योंकि हम सेफ खेल रहे हैं, सेफ खेलना चाहते थे। तो ये फाइट ले रहा था किसी से। खैर, हम इसके पीछे आए और इसको किया डाउन किया हमने इसको। अब जो इससे लड़ रहा था वो उस बिल्डिंग के, उस घर के पीछे चला जा रहा था यार। और ये गेम बहुत लैग कर रही है, क्या मसला है इसका? तो इस जिससे ये फाइट ले रहा था बंदा तो निकल के बाहर वापस आ गया, लेकिन इसने बहुत ज़्यादा डैमेज दे दी हमें। खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े मैप्स में छोटी छोटी डैमेज और छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं। खैर, हम अपनी हील वगैरह कंप्लीट कर रहे थे तो एक बंदा हमसे आया फाइट लेने के लिए, हमसे टक्कर लेने के लिए। खुदा है, मैं सोच रहा था कि निंजा लगा के वहाँ जाऊँ, लेकिन ये ट्रैक्टर भाई साहब ने हमें रोक लिया इधर। तो इसकी मैगजीन ख़त्म होने के बाद मैंने इस पर किया अटैक, क्योंकि रीलोडिंग होने तक मैं इसकी बैंड बजा देता। वही हुआ, जब तक रीलोडिंग हुई तब तक मैं इसको मार चुका था। खैर कोई बात नहीं, टीममेट हमारा आ चुका था रिवाइव होके, और ये बंदा आ गया। बोट है मेरा ख्याल, शायद बोट है। बोट बहुत ज़्यादा आते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी में, और तब ज़्यादा आते हैं जब सोलो खेला जाए।
जब स्क्वाड में खेलते हैं तो तब बहुत कम आते हैं। खैर अब ये सीन चेक किया आपने, नहीं चेक किया तो दोबारा देखना, दोबारा से यानी फिर से देखना बैक करने के बाद। तो ये बंदा साहब हमसे ले रहे थे फाइट, शायद हमसे लेने आए थे या शायद इनसे, इनके पास से मैंने एक दफ़ा तो बाइक घुमाई लेकिन इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो फिर मैंने बाइक अपनी छोड़ी और बंदों के पीछे पीछे चल दिया कि इसको किल करेंगे, दो किल मिल जाएंगे हमें। खैर एक बंदा तो डाउन हो गया और टीममेट का मुझे डर था कि कहीं वो हमारा किल ना चुरा ले, पर हमारी इस ये बात भी उसको याद होनी चाहिए कि जो हमारा किल चुराएगा वो जलील हो जाएगा। खैर बाइक छोड़ने के बाद मुझे मिले 3 किल और वो भी एक ही जगह से, चस आ गई बाबा जी, चस आ गई। खैर लूट के भूखे लूट करेंगे हम, उसके बाद बंदे शंदे मारेंगे। अब एक और बंदा मिला, ये भी बोट डेफिनेटली विद सस्ती इंग्लिश, डेफिनेटली ये बोट ही था। खैर टीममेट हमारा चॉपर लेके आया, हम चॉपर पे जा रहे थे ड्रॉप के पास। अब जैसे मुझे ड्रॉप आया नज़र आया तो मैंने जंप कर दिया, टीम हमारा गया हमारा जहाज जो हमारा जाती जहाज जहाज था वो पार करने के लिए। अब ये देखा आपने कि सिर्फ एक जहाज ड्रॉप पे जाने के लिए कितनी दफ़ा मेरी गेम लैग होगी। सीज़न 7 को आए 2 हफ्ते से ऊपर हो गया लेकिन अभी तक ये इस लैगिंग वाला चक्कर ठीक नहीं कर पाए। खैर हमने लेवल 3 वेस्ट पहनी, अब जैसे ही मैंने वेस्ट पहनी तो मेरे राइट से आवाज़ें आने लग गई धड़ 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 धड़, बंदे फाइट ले रहे थे आपस में। हम जाएंगे इनकी तरफ और कर देंगे इसको किल। अब ये बंदा देखो ओपन में फाइट ले रहा था, कैसा बेवकूफ़ बंदा है। इस बंदे ने अंदर वाले को बंदा अंदर वाले के इस बंदे ने अंदर वाले बंदे को मारा और हमने इसको। खैर एक बंदा वो सामने था, वो भाग के गया था अंदर बिल्डिंग की तरफ। अब हमको उससे ढूंढना है कि वो किधर है, लैगिंग शैगिंग की प्रॉब्लम हल हो तो ढूंढे ना। और ये भाई साहब हमारे चॉपर लेके आए और हम इसको कैसे जाने देंगे। अब जो देखो कैसे चिड़िया की तरह उड़ के आ रहे हैं। खैर अब इनकी भी मौत हमारे हाथों लिखी है तो इनको कौन बचा सकता है। हम करेंगे इन पर थोड़ा सा अटैक, टीममेट हमारा नीचे था, निंजा लगाने की कोशिश की पर कोशिश नाकाम गई। एक को डैमेज दी मैंने, डैमेज हुई बहुत ज़्यादा। एक बंदा आएगा अभी आएगा। ओहो यहाँ पे थोड़ी सी अकल इस्तेमाल होगी, ऐसे ही होगी वरना मैं तो मर जाता। अब एक बंदा मेरी तरफ आया तो मेरी डैमेज हील भी कम थी, हील करने की भी मुझे सख्त ज़रूरत थी। खैर बंदे को हमने डाउन किया और हील करेंगे कंप्लीट अपने। उसके बाद ये जो ऊपर वाला बंदा है बहुत तंग किया हुआ है इसने, इसको किल हम और हमारा टीममेट भी ज़िंदा रहा और हम भी जिंदे रहे और किल हो गए हमारे जनाब। 13 किल हो चुके हैं हमारे। एमो शैमो उठाएंगे, लूट करेंगे और फिर जाएंगे हम बंदे मारने के लिए। आपको मैं एक टिप देता हूँ अगर आप इस्तेमाल कर सकें तो, वो टिप जब भी आप लूट कर रहे हो तो खड़े होकर या बैठ के लूट नहीं करो, क्योंकि अगर कोई एनिमी आपको देख रहा है एम आप पे कर रहा है तो आप आसानी से किल हो सकते हो। तो जब भी आप लूट करो, ये मेरी टिप है आपके, आपको दे रहा हूँ टिप मैं अपनी तरफ से, कि जब भी आप लूट करो तो लेट जाया करो, लेट के आसानी से सुकून से करो लूट, उसके बाद जाओ फिर। खैर हम निंजा लगा के ऊपर आए तो बंदा हमारे हाथ लग गया, एक था ये भी बोट तो हमने इसको किया किल। अब उठाएंगे हम अपना जाती जहाज उठाएंगे जो हमारा वेट कर रहा था, अभी तक अनटच था, किसी ने हाथ तक नहीं लगाया इसको। राइट साइड पे हो रही थी फायरिंग, दो बोट आपस में लड़ रहे थे या पता नहीं दो बंदे लड़ रहे थे, कुछ पता नहीं, अभी जाके पता चलेगा। तो मैं हेलीकॉप्टर से उनकी पोजीशन मालूम कर रहा था कि वो है किधर, किधर हैं वो, किधर हैं, लेकिन पाजी ऐसे कैसे वो दे सकते थे हमें अपनी पोजीशन। खैर लैंड करवाने की एक नाकाम कोशिश की और बंदे ने हमें जाती जहाज को डैमेज दे दिया। अब मैं जाऊंगा बंदे के पीछे क्योंकि भाई इसने मेरे जाती जहाज को डैमेज दिया जाती। खैर बंदा तो भाग गया लेकिन मैंने सोचा जोन भी आ रहा है और हेलीकॉप्टर हमारा बाहर रह जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। अब जाएंगे हम उस बंदे के पीछे जिसने हमारे हेली को डैमेज दी थी। किधर है तू, इधर है, बाहर निकल निकल बाहर निकल निकल बाहर, लैंड ही करवाना पड़ेगा ऐसे तो बाहर नहीं निकलेगा।
खैर कोई बात नहीं, कवर लेना ज़रूरी है, कवर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं राउंड राउंड लगा लगा के, छुप छुपा के। अब ये मेरा ख्याल से अंदर कैंपिंग कर रहा था, मेरे ख्याल से अंदर कैंपिंग कर रहा था। मैंने इस पूरे घर का, पूरी बिल्डिंग का चक्कर लगाया हुआ, लेकिन वो बंदा मुझे नहीं मिला, पता नहीं वो किधर गया। खैर ढूंढ तो लेंगे, हमें उसका बदला तो लेना है, क्योंकि हमको, क्योंकि इसने हमारे जहाज को डैमेज दिया, तो बदला लेना है। तो बाहर निकल के देखते हैं, शायद बाहर ओ हो भाई साहब, इधर हो आप, इधर हो आप, सही है। खैर कर देंगे इसको किलो, ये किसे फाइल लेना था, ये कौन, इसका टेनेंट है या कोई और, पता नहीं कौन है। अब इसकी भी मौत हमारे हाथों लिखी, तो हम क्या कर सकते हैं, दो दो बंदे मिल गए हमें, तो क्या कर सकते हैं हम। खैर कोई बात नहीं, अब बंदे बच्चे 10 बंदे बचे हैं अभी तकरीबन टोटल। एक बंदा तो ये जा रहा है, इसको तो मैं करूँगा किल। ओ भाई साहब पीछे पीछे हूँ, पीछे पीछे, लेट किधर रहा है तू, मैंने लूट के लिए बोला था कि लूट जब करो तब लेटना है, लेकिन आप गोलियां खाते खाते भी लेट रहे हो, ये तो मैंने नहीं बताया था आपको। लैगिंग का अगर यार मसला हल हो जाए ना, तो बहुत बड़ी गनीमत होगी, गनीमत होगी बहुत बड़ी। खैर चलो कोई बात नहीं, अब हो जाएगी लैगिंग भी आस्ता आस्ता दूर। ये किस पे फायर हो रहे हैं, कौन कर रहा है फायर इधर, हमें भी तो कुछ बता दो। इधर तो बंदा कोई भी नहीं है यार, और फिर फायर किस पे ले रहा है, टीममेट मेरा पागल हो गया क्या, क्या इसके पीछे भी किसी, ओ माय गॉड इधर से पड़ रही है फायर, सही है। हिल कंप्लीट करते हैं, तब तक मेरा जो टीममेट है इसको मार देगा, मार देंगे भाई, ऐसा ना हो कि मुझे इसका डॉग टैग उठाना पड़े। अगर इसका डॉग टैग उठाना पड़ा तो फिर तो, बल्कि डॉग टैग तो आएगा ही नहीं, स्कैन होके आ ही नहीं सकता ये तो। खैर अभी एक बंदा बचा है, दो हम और एक बंदा और, जोन में चलते हैं, शायद वो जोन में कहीं कैंपिंग कर रहा हो। किधर है भाई तू, किधर, ओ रहा बोरा बंदा, चल 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 चल, तेरे जाने का टाइम हो चुका है, थैंक यू फॉर भाई साहब, थैंक यू, आपने मुझे गेम जितवा दी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं फिर आपसे किसी और वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।